टॉपिक है नोटिस, और कल जो टॉपिक कराया था कौन सा था, रिप्लाई टू एन इनविटेशन, उसी टॉपिक के अथवा में ये आता है, और एक और आता है इसके साथ में एडवर्टाइजमेंट। तीनों टॉपिक में से दो क्वेश्चन आने हैं और उनमें से करना है एक। कल जो टॉपिक समझा था उसके साथ में इसको भी समझना है, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हें सरल लगे वो टॉपिक कर देना पेपर में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन। तुम्हारा स्कूल 25वीं वार्षिक मैगजीन का प्रकाशन करने जा रहा है। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से उस मैगजीन के लिए आर्टिकल्स इनवाइट करते हुए एक नोटिस लिखना है। अब नोटिस जब भी लिखते हैं तो नोटिस किस तरह से लिखते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये बॉक्स में आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, इसको बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए कि किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, योर स्कूल, तो यहाँ पे योर स्कूल का नाम आएगा, मतलब तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे स्कूल बाद में यहां पे लिखना है सीरियल नंबर, इस सीरियल पे, और यहां पे लिखनी है आपको इसको राइट हैंड साइड में डेट। सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेट उस दिन की डालनी है जिस दिन एग्जाम होगा। एग्जाम किस दिन है? सीरियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, जो सीरियल नंबर चलता है क्रम से वो ही डालना होता है जो रजिस्टर में जाता है, डिस्पैच रजिस्टर होता है। अब इसके बाद में यहां पर बीच में लिखेंगे नोटिस, ठीक है, और नोटिस के बाद में हम लिखेंगे जिस टॉपिक पे हमने ये नोटिस भेजा है। नोटिस किस पे भेजा है? 25th एनुअल मैगजीन। Make
मैगजीन पब्लिश हो रही है, मैगजीन का प्रकाशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज को हटाएंगे पब्लिश, और इस क्वेश्चन में से ही लेंगे पब्लिश 25th एनुअल मैगजीन। और फिर दोबारा से देखिए, राइट एंड नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से आर्टिकल के लिए उनको इनवाइट करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विद देयर आर्टिकल्स आर invited, students with their articles, अपने articles के साथ में जो विद्यार्थी हैं और invited, उनको आमंत्रित किया जाता है। यहां से लिखना चालू करेंगे एक लाइन छोड़ के, ऑल द इनफॉर्म दैट आर स्कूल
ड्यू टू माउंट आबू। Sell give their names to the undersigned। और यहां पे नाम आ जाएगा यशपाल। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, नोटिस में ये लाइन तो लिखनी है, चाहे कैसा भी नोटिस है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, इतनी लाइन तो लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड दैट। फिर इसको भी लिख देना आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहां तक लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को भी, क्योंकि किसी ना किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी आने वाले प्रोग्राम के बारे में होगा, तो वहां पे उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हमें तो कोई ना कोई स्कूल करा रहा होगा, स्कूल के बारे में ही है ये, तो उस स्थान पे लिख सकते हैं आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्कूल आयोजन करा रहा है, और किस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है, ये जो है यहां से यहां तक देखिए, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हर क्वेश्चन में ये चेंज होगा, तो इसको चेंज करना है जो अंडरलाइन है बस। और प्रोग्राम का नाम आपको कब से कब तक का है, एक दिन का है, तो इसको रहने देना फ्रॉम टू, फ्रॉम 10th May 2021 टू 12th May 2021, इसको रहने देंगे, एक दिन का प्रोग्राम है तो। और यदि लंबे टाइम का प्रोग्राम है, चार दिन, पांच दिन, तीन दिन, तो फिर इसको लिख देंगे फ्रॉम या टू। इसके बाद में इस लाइन को रट्टा मार लेना, दोज हू वांट टू पार्टिसिपेट, जो लोग कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, शैल गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, वो अधो हस्ताक्षर करता है यशपाल को अपने नाम देना, याद कर लेंगे इस लाइन को, बस इतना ही है, 50 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ पे, और इतना कर दोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, चार नंबर का है, चार मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ पूरे चार मिल जाएंगे भाई, लेकिन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, आधा अधूरा करोगे और चार नंबर नहीं मिलेंगे। देखो इसमें भी मैं सुनिए, ये जो लाइन है दोज हू वांट टू पार्टिसिपेट शैल गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, इस लाइन को यहां पर भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इसको, मॉडिफाई
आर्टिकल राइटिंग फॉर द मैगजीन। मैंने काम ले लिया दोस्त वांट टू पार्टिसिपेट इन द ट्यूब, यहां पे लिख सकते हो इन द ट्यूब, सेल गिव देयर नेम टू द अंडरसाइड। यहां पे देखिए दोस्त वांट टू पार्टिसिपेट इन आर्टिकल राइटिंग फॉर मैगजीन, सेल गिव देयर नेम टू द अंडरसाइड। दोनों में सेम लैंग्वेज है, तुम लोग सिर्फ इतना कर सकते हो दोस्त वांट टू पार्टिसिपेट, और इसको भी छोड़ सकते हो सेल गिव देयर नेम टू द। इतना समझ में आ रहा है जो हमने यहां पे लैंग्वेज लिखी है, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट शैल गिव देयर नेम्स टू द। इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं पहले एक क्वेश्चन लिखो, इसको बाद में उतारना। मैं तो इंग्लिश में ही बोलूंगा भाई। चलो देखो योर स्कूल is your school is organizing a summer vacation tour stop prepare a notice informing students about the tour, informing students about the tour, T-O-U-R, एक और लिख लो। Your school next. Your school is going to celebrate गांधी जयंती ऑन 2nd October
स्टॉप। ड्राफ्ट नोटिस, ड्राफ्ट DRAFT, ड्राफ्ट नोटिस, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स, स्पीच, पोएम, सॉन्ग्स, रिलेटेड टू द प्रोग्राम, रिलेटेड टू द प्रोग्राम। Related, RELATED to the program. Two questions has been given. Now you note down all these questions which I have written on this blackboard, and then start solving the questions I have given to you.